गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग स्टार्ट अवर थर्ड लेसन विच नेम इज़ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सुरक्षा एंड उनके सेफ्टी रोल्स, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार. ओके, इस लेसन में हम रीड करेंगे सेफ्टी रोल्स के बारे में और फर्स्ट एड के बारे में, फर्स्ट एड टिप्स के बारे में, कि हमें जब कोई घाव लग जाता है, कट लग जाता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है तो उसका फर्स्ट एड हमें कैसे करना चाहिए और कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. इस लेसन में हम यही रीड करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक्सीडेंट्स में अकर एनी टाइम एनी वेयर विदाउट गिविंग एनी वार्निंग. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, किसी समय भी, कहीं भी, बिना किसी वार्निंग के दिए हुए घटित हो सकता है. कहीं पर भी हो सकता है एक्सीडेंट्स, मतलब दुर्घटना. चिल्ड्रन ऑफन गेट हर्ट एट होम इन स्कूल. चिल्ड्रन, बच्चे प्राय हर्ट हो जाते हैं, चोट लग जाती है उन्हें घर पर, स्कूल में एंड इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में और ऑन द रोड, और रोड पर. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू अवर केयरलेसनेस. अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं हमारी केयरलेसनेस की वजह से, मतलब असावधानी की वजह से. ओके, इन क्लास थर्ड एंड फोर्थ वी हैव लर्न सम सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो ऑल द टाइम. हमने क्लास थर्ड एंड फोर्थ में सेफ्टी रूल्स के बारे में रीड किया था. स्टूडेंट्स, हमारा क्लास थर्ड में भी इसके बारे में लेसन था और फोर्थ में भी था. आप सब ने रीड किया हुआ है. वी मस्ट फॉलो ऑल द टाइम, और हमें उन सेफ्टी रूल्स को सब पूरा टाइम ही फॉलो करना चाहिए. डू यू रिमेंबर देम, क्या तुम्हें वो याद है. लेट अस रिकॉल सम ऑफ दोज रूल्स. आइए हम कुछ रूल्स को दोबारा से याद करते हैं. ओके, दोबारा से उनके बारे में रीड करते हैं. फर्स्ट है, डू नॉट यूज़ ब्लेड टू शार्पन पेंसिल. पेंसिल को ब्लेड से शार्प नहीं करना चाहिए. किससे करना चाहिए? शार्पनर से. डू नॉट कीप शार्प एज्ड थिंग्स इन योर बैग और पेंसिल बॉक्स. हमें कभी भी तीखी चीज़ें, तेज़ चीज़ें बैग के अंदर नहीं रखनी चाहिए या पेंसिल बॉक्स के अंदर, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर नहीं रखनी चाहिए. डू नॉट थ्रो बुक्स और डस्टर्स एट वन अनदर. कभी भी हमें डस्टर्स और बुक्स को एक दूसरे पर क्लासरूम में नहीं फेंकना चाहिए. ये सेम सेफ्टी रूल्स रीड किए थे स्टूडेंट्स हमने. देखिए आगे, डू नॉट क्लाइंब ऑन शेल्व्स. हमें कभी भी शेल्व्स पर, स्लैब पर नहीं चढ़ना चाहिए. डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स. हमें स्टेयर्स पर नहीं दौड़ना चाहिए. देखिए, अगर आप शेल्फ पर चढ़ेंगे तो आप गिर सकते हैं. ओके, और आप अगर स्टेयर्स पर दौड़ रहे हैं तो भी आप गिर सकते हैं. ओके, पैर आपका स्लिप हो सकता है. डू नॉट लीव टॉयज़ ऑन द फ्लोर. और हमें टॉयज़ को फ्लोर पर इधर उधर बिखेर कर नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज आप ही उसमें ट्रिप हो सकते हैं, उसमें फंस सकते हैं और खुद ही गिर सकते हैं. ओके, डू नॉट जम्प ऑन द बेंचेस. बेंचेस पर जंप नहीं करना चाहिए. डू नॉट पुश एनीवन इवन इन फन. कभी भी मजाक में भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स. कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को टच नहीं करना चाहिए, मतलब बिजली के उपकरणों को टच नहीं करना चाहिए, चाहे वो बटन हो या फिर सॉकेट्स हो. जहाँ पर हम वायर डालते हैं उसे हम सॉकेट्स बोलते हैं. ओके, आगे देखिए. यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए. ऑलवेज़ वॉक ऑन फुटपाथ. फुटपाथ पर हमें चलना चाहिए, जो साइड में बनी हुई होती है ना जगह, वहाँ पर हमें चलना चाहिए. डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ द मूविंग बस. हमें चलती हुई बस में से ना तो उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए. ओके, डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस. और ना ही हमें चलती हुई बस में से झांकना चाहिए. इससे क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, आप हर्ट हो सकते हो. डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर. और बस ड्राइवर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अगर आप बस ड्राइवर को डिस्टर्ब करोगे तो बस ड्राइवर का ध्यान आपकी तरफ होगा और सामने जो व्हीकल्स आ रहे होंगे, जो भी गाड़ियाँ आ रही होंगी, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा और उसकी वजह से क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, यस, एक्सीडेंट. इस केयरलेस, इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है.
आगे देखिए, डू नॉट प्ले रफ गेम्स, कभी भी रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए, मतलब ऐसा गेम कोई नहीं खेलना चाहिए जिससे आपको चोट लगे, ओके, जिससे आप खुद हर्ट हो जाएं या आपका फ्रेंड हर्ट हो। तो ऐसे गेम खेलिए जिससे आप एंजॉय करें। सेफ्टी ऑन द रोड, अब सेफ्टी रूल्स थे हमारे रोड के ऊपर, वो देखिए। सेफ्टी ऑन द रोड्स हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। सेफ्टी ऑन द रोड्स हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट, सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है रोड के ऊपर, देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। क्योंकि क्यों हो गई है, सबसे पहले हमारी सुरक्षा रोड पर ज़रूरी है। क्यों हो गई है ज़रूरी, क्योंकि रैपिड इंक्रीज मतलब बहुत बड़ी संख्या में व्हीकल्स की संख्या का बढ़ना बहुत तेज़ी से, ओके, मतलब व्हीकल्स बहुत तेज़ी से संख्या, उनकी संख्या जो है बढ़ रही है, और इस वजह से हमें रोड पर सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए रोड पर, ओके। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड, केयरलेस होना, असावधान होना रोड पर कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, वो किसका कारण बन सकता है, सीरियस एक्सीडेंट का। वी ऑल शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, हमें सेफ्टी रूल्स को रोड पर फॉलो करना चाहिए। द साइन ऑन द रोड आर कॉल्ड ट्रैफिक साइन, जो ये साइन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इन साइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक साइन, ओके। वी शुड लर्न एंड फॉलो ट्रैफिक साइन, हमें इन साइन का मतलब पता होना चाहिए और इनके बारे में सीखते हैं, आइए। वन वे साइन मतलब जैसे अब हमारे एक साइड से तो व्हीकल एक साइड से तो जाते हैं और एक साइड से आते हैं और बीच में क्या होता है हमारा, प्लांट्स लगे हुए होते हैं ना, तो अब वन वे क्या होता है, वन वे मतलब एक ही रोड पर, एक ही सड़क पर, मतलब आने का भी एक ही हो और जाने का भी एक ही हो, ओके, मतलब आना भी इधर से ही और जाना भी इधर से ही, अगर वन वे यही होता है, ओके। और ओके स्टूडेंट्स, नो यू टर्न यहाँ पर मतलब इसका मतलब ये है, यहाँ से कोई यू टर्न का स्पेस नहीं है। नो हॉर्न नहीं बजाना यहाँ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग मतलब आई हुई है, मतलब वाइट स्ट्रिप्स और ब्लैक स्ट्रिप्स हैं यहाँ क्रॉस करने के लिए। नो पार्किंग मतलब यहाँ पर पार्किंग करने की स्पेस नहीं है, पार्किंग नहीं करनी मतलब यहाँ। नो एंट्री यहाँ पर एंट्री नहीं है। नो पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने का रास्ता नहीं है यहाँ। नो लेफ्ट टर्न नहीं है। नो लेफ्ट राइट टर्न, स्पीड ब्रेकर्स, ओके, मतलब स्पीड ब्रेकर आने वाला है। सम इम्पोर्टेंट ट्रैफिक साइंस, ये हैं हमारे इम्पोर्टेंट ट्रैफिक साइंस। द साइन, आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे MCQs हैं टू। द साइन ऑन द रोड आर कॉल्ड, जो साइन है रोड पर जो साइन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक साइन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक साइन, यस। वी शुड यूज़ द डैश क्रॉस द रोड, वी शुड यूज़ द डैश टू क्रॉस द रोड, क्या बोलते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ओके, हमें क्या रोड को क्रॉस करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ओके। और फुटपाथ से तो हम मतलब जब साइड में चलना हो रोड के तो फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए, ओके। तो आज हम स्टूडेंट्स यहीं तक करते हैं, आगे हम फिर करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। बुक रीडिंग ज़रूर करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, बाय बाय।